राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह और राज्यपाल राम नाईक ने लखनऊ में एक निजी हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि पुलवामा में जवानों की शहादत से पूरा देश दुखी है। पुलवामा में शहीद परिवारों के लिए पूरे देश की ओर से नमन करता हूँ। हाल ही में पुलवामा में हमारे जवानों के बलिदान से पूरा देश आज गहरी पीड़ा। उत्तर प्रदेश के भी कई जवानों ने इस हमले में अपनी शहादत दी है। हमारी संवेदनाएं उन जवानों के परिवार जनों के साथ हैं। मैं पूरे राष्ट्र की ओर से उनकी शहादत को नमन करता हूँ। देवी और सज्जनों, बीमारियों से लोगों का बचाव करना और उनके स्वास्थ्य में सुधार लाना हर सरकार की प्राथमिकता होती है और इसके लिए देश भर में स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से मजबूत किया जाता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए स्वच्छता बहुत ही जरूरी है। गंदगी बहुत सी बीमारियों को बढ़ावा देती है। भारत सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से लोगों में स्वच्छता का संदेश पहुंचाया। इंसेफ्लाइटिस की रोकथाम उसके लिए WHO तथा यूनिसेफ के सहयोग से एक्शन प्लान 2018 लागू किया गया। परिणाम स्वरूप जापानी इंसेफ्लाइटिस से होने वाली दुखद मौतों की संख्या में 2017 के मुकाबले 2018 में लगभग 68% की कमी आई।